हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम, जैसे कि मैंने कहा था कि हम परसेप्शन का टॉपिक जल्द ही पढ़ेंगे, तो आज हम परसेप्शन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे वीडियो बनाई थी, तो उसी में मैंने एक्सप्लेन किया था कि वी विल स्टडी परसेप्शन। दोनों वीडियोज रिक्वेस्टेड थी। ओके, नाउ लेट्स गो परसेप्शन। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स रखी हुई हैं जिनको आप देखें, सही है, और नोटिस करें कि कैसे सेम सिचुएशन में दो लोग डिफरेंट बातें कर रहे हैं। ये क्या है? एक ग्लास है जो कि आधा भरा हुआ है, सही है, आधे ग्लास में पानी है। अब ये बंदी क्या कह रही है कि दिस इज हाफ फुल। ये बंदा कह रहा है हाफ एम्प्टी। अब दोनों लोग गलत बातें नहीं कर रहे, ठीक है, सही है। आधा, ये देखो, ये खाली स्पेस है, ये भरा हुआ स्पेस है। ये उस भरे हुए पे फोकस कर रही है, वो बंदा उस आधे जो खाली है उस पे फोकस कर रहा है। दोनों ने सेम चीज को, सेम सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया, राइट? अब यहाँ पे भी देखें, अब ये क्या है, हमें तो यहाँ से 9 लग रहा है, लेकिन ये जिस साइड से खड़ा है ही सीज इट एज 6। ये बंदा जिस साइड से खड़ा है ही सीज इट एज 9। अब 6 है या 9 है वो तो यार जिसने रखा है उसको पता होगा, लेकिन ये दोनों जो हैं अपनी अपनी लोकेशन के हिसाब से अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। एक ने कहा 6, दूसरे ने कहा 9। नाउ कम हियर। अब ये दो पिक्चर्स है ना, ये जो आप लोग जो देख रहे हैं ना, आप लोग भी डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेट कर रहे होंगे, और इसीलिए मैंने ये लगाई है। कुछ लोग यहाँ पे ये वास देख रहे हैं, सी दिस इज दी वास, ठीक है, लेकिन कुछ लोग इस वाइट पे फोकस कर रहे होंगे, विच मेक्स इट लुक लाइक जैसे दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। लिप्स हैं, ये उनकी नेक है, सेम गोज हेयर, सही है। होपफुली अब आप दोनों चीजें देख पा रहे होंगे। जब आप वाइट पे फोकस करते हैं तो आपको दो लोग दिखते हैं, जब आप ब्लैक पे फोकस करते हैं तो आपको एक वास दिखता है, ठीक है। नाउ सेम गोज फॉर दिस पिक्चर। इसमें क्या है, ये एक बंदा दिख रहा है हु इज प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हाउएवर जब आप इस चीज को देखते हैं तो इट लुक्स लाइक ये एक बंदी है, दिस इज अ वुमेन। एक फेस लग रहा है, एक वुमेन का फेस लग रहा है, राइट? सो यस, यहाँ पे भी अगर आप वाइट को फोकस करेंगे तो डिफरेंट चीज, ब्लैक को फोकस करेंगे तो डिफरेंट चीज। नाउ लास्ट पिक्चर, इसमें कुछ स्टिक्स हैं। नाउ कितनी है ये जिसने रखी है उसको पता, लेकिन इन दोनों की पोजीशन इन दोनों लोगों की तरह डिफरेंट है। तो एक ने इसको 4 कहा है, दूसरे ने इसको 3 कहा है। नाउ देयर इज अ कोट ओवर हियर एज वेल, वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी देम एज वी आर। हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जैसे वो हैं, हम वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। हम सबका परसेप्शन डिफरेंट होता है, क्यों? क्योंकि हमारी सोच डिफरेंट है, ठीक है। नाउ डेफिनेशन। अब परसेप्शन को याद करने के लिए मैं बहुत इजी सा एक वर्ड आपको देती हूँ, दैट इज व्यू पॉइंट, सही है, पॉइंट ऑफ व्यू जिसको कहते हैं, उर्दू में कहते हैं नजरिया। अब इसमें क्या है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा, दैट इज बेसिकली परसेप्शन। Perception refers to the set of processes we use to make sense of the different stimuli we are presented with. Perception किसको refer कर रहा है? Set of processes जो हम use करते हैं sense बनाने के लिए different stimuli का, जो हमारे पास आते हैं, जो हमारे life में आते हैं। Stimuli क्या है? Anything which causes response. A smell, a sight, a view, a sound, anything. जो हमें रिस्पॉन्ड करने पे करे। आर परसेप्शंस ऑन आर बेस्ड ऑन हाउ वी इंटरप्रेट डिफरेंट सेंसेशंस। अब हम सेंस जो है ना, मेनली पांच चीज यूज करते हैं, हमारे पास पांच सेंसेस हैं, देखना, सुनना, सूंघना, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ओके, दीज आर व्हाट, फाइव सेंसेस। अब इन फाइव सेंसेस से जो हमें सेंसेशन आती है ना, उनकी जो हम इंटरप्रिटेशन करते हैं वो क्या है, वो है परसेप्शन, ठीक है। परसेप्शन इज बेसिकली गिविंग मीनिंग टू द सेंसेशंस,
that you are exposed to. अब मीनिंग देते हैं उन सब सेंसेशंस को जो हमारी लाइफ में आती हैं, जो हमारे सामने आती हैं. इन्होंने इनको देखा, सेंसेशन यूज हुई आईज की, उसने उन्होंने उसको मीनिंग दी. यहाँ इन्होंने इनको देखा, इन्होंने उसको मीनिंग दी. एंड सेम गोज हेयर, जहाँ पे आप लोगों ने ये चीज की होगी. ठीक है, तो व्हाट इज इट कि हमें सेंसेशंस मिलती हैं, हम उनको मीनिंग देते हैं, और वो है हमारी परसेप्शन, वो हमारा व्यू पॉइंट है. ओके, नाउ परसेप्शन की तीन स्टेजेस हैं. ठीक है, परसेप्शन, वैसे हम रेगुलरली बहुत चीजें परसीव कर रहे होते हैं, वी डोंट रियलाइज इट्स अ प्रोसीजर. जैसे कि आपने अगर बायोलॉजी में पढ़ा हो, बेसिक बायोलॉजी में पढ़ाते हैं कि हमारी आई जो चीज़ें देखती हैं उसका भी एक पूरा प्रोसीजर है जो सेकंड्स में होता है, लेकिन देयर इज़ अ प्रोसीजर. सेम गोज फॉर परसेप्शन, परसेप्शन का प्रोसीजर है जिसमें तीन स्टेजेस हैं. ठीक है, अब इन तीन स्टेजेस के बारे में हम पढ़ते हैं. फर्स्ट इज एक्सपोजर, कि आपके सामने कोई चीज़ आई. लेट्स अज्यूम यू केम होम और आपको एक स्मेल आई. ठीक है, सॉरी, स्मेल आई किस चीज़ की हमें नहीं पता, पर आपने उसको सूंघा एंड यू वर लाइक यार ये तो खाने की है, और आपने उसको अटेंशन दी, आपने उसको फोकस किया, आपने उसको सोचा, फोकस ऑन स्मेल कि कहाँ से आ रही, कौन सी है. उसके बाद आपने इंटरप्रेट किया यार ये बिरयानी की स्मेल है. एंड देन यू रियलाइज कि यार ये लगता है मेरे घर में बन रही थी, तो इसलिए ये बिरयानी की स्मेल आ रही थी. तो व्हाट इज दैट, दैट इज योर परसेप्शन, जो कि आपने तीनों स्टेजेस से मिलके बनाई है. ठीक है, सो दैट्स प्रीटी मच इट, दैट्स द होल प्रोसीजर ऑफ परसेप्शन एंड टॉपिक ऑफ परसेप्शन. कुछ खास है नहीं, लाइक इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, लेकिन हाँ इसकी बहुत वैल्यू होती है. हम मार्केटिंग वगैरह में पढ़ते हैं, फिर हम स्टिमुलाय पढ़ते हैं, हम लोगों को चीज़ें परसीव कैसे करवाएं वो पढ़ते हैं, तब हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है, इससे रिलेटेड चीज़ों को और डिटेल में पढ़ते हैं. एनीवेज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. इफ यू डिड, मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डू शेयर. आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइज.